नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुरु और आप सबका स्वागत है द कुरु रिव्यू शो में। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं संपूर्ण ड्रैकुला को। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूं साथ के साथ और आप लोगों को रिव्यू देता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो निकल आए हैं, चलिए पहले नॉवल्टीज़ देख लेते हैं, नॉवल्टीज़ में क्या क्या है। ओके यहाँ आपसे बोलेगा। तो ये है मैग्नेट स्टिकर ड्रैकुला का, और इस बार देखिए ये वो वाला कवर वाला नहीं है, तो ये अच्छा लग रहा है। इस बार डिफरेंट किया है इन्होंने कुछ। ये मैग्नेट स्टिकर है और ये पिन व्हील करके ये दोबारा से इन्होंने सेम चीज़ इसमें भी पकड़ा दी है संपूर्ण ड्रैकुला के साथ, जो संपूर्ण त्रिफना में भी मिली थी। अगर कोई और करेक्टर होता या कुछ और होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और ये है आपका स्केच कार्ड, स्केच कार्ड फ्रंट कवर ही है, और सबसे एंड में है ड्रैकुला का एक पेपर स्टिकर। तो सही है, ये ड्रैकुला का पेपर स्टिकर भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इस बार चार नॉवल्टीज़ हैं जैसे त्रिफना में थी, तो अच्छी बात है ये। और अब देखिए संपूर्ण ड्रैकुला, इसका संख्या नंबर है 2654। और यहाँ पर अगर हम पीछे देखेंगे तो इसका मूल्य है 1200 रुपये या 1199, 1200 ही बोल लीजिए। और इसमें चार कॉमिक्स हैं, ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल। अगर आप बाइंडिंग देखेंगे तो बाइंडिंग सही है, ये देखिए ऊपर से। तो चलिए आप देखते हैं, ये येलो पेजेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले, लग तो ऐसे ही रहा है। तो ये देखिए इस बार ड्रैकुला का जो आर्ट वर्क किया है, ये रेड और ब्लैक के कम्बिनेशन में किया गया है, जो एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए गए हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। त्रिपना में आपको याद होगा तो हरा था, यहाँ पे देखिए संपूर्ण ड्रैकुला, ड्रैकुला का हमला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कॉमिक्स से आई हैं। और यहाँ पे नागराज क्रिएटेड बाय राजकुमार गुप्ता और मनोज गुप्ता, संपूर्ण ड्रैकुला ये थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ये सेम चीज़ मैग्नेटिक स्टिकर में भी आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट स्टिकर वाला आर्ट है ये देखें। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि कहाँ से पब्लिश हुई है, और ये आ गया आपका राजपृष्ठ 2। राजपृष्ठ 2 में जो है मनीष जी ने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा और बताया है, और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि अभी किन कॉमिक्सों पे काम चल रहा है। तो इसमें आप नोट कीजिए क्या क्या है। सर्वसत्र आज़ादी की ज्वाला व फिर आया बाकीलाल के बाद, अब सर्पद्वंद, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, नरक नाशक नागराज व ब्रह्मांड रक्षक की नई कॉमिक्सों पर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों नरक नाशक नागराज पे मनोज गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं, तो ये बात मुझे थोड़ी हैरानी वाली लगी, क्योंकि पहले कभी सुना नहीं कि वो नरक नाशक नागराज पे काम कर रहे हैं। अच्छी बात है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि राजकुमार गुप्ता जी ने उनको जो स्टार्टिंग में 60 7 करेक्टर्स पे काम करने को बोला था, उसमें कौन कौन से थे, तो ये उसकी जानकारी दी है। यहाँ पे संजय सलीम, विश्वनाथ, विनाश दूत, तोताराम, नागराज, राहु केतु और अर्जुन करके 7 करेक्टर्स थे जो राजकुमार गुप्ता जी ने मनोज जी को बोला था कि इन पे काम करना है। इसके बाद इस पेज में उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई है कि उन्होंने कैसे कैसे उनको क्या क्या करना पड़ा स्टार्टिंग की कॉमिक से छापने के लिए। लगभग 1 साल लगा कनकपुरी की राजकुमारी को बनने में, और 2 साल में शायद जाके पूरा का पूरा सेट आया जो 4 कॉमिक्सों का था। तो उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। और सबसे एंड में उन्होंने बताया कि राजकुमार गुप्ता जी ने जब उनको बोला कि संपादक का नाम अपना रख लो, फिर उनको याद आया कि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं मनोज नाम कभी यूज़ नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा चलो अपने छोटे बेटे का नाम यूज़ कर लो। तो ये बात मुझे पता नहीं कि ये सच है या नहीं है, पर मनोज गुप्ता जी ने अपनी तरफ से ये लिखा है कि मनीष चंद्र गुप्त करके उन्होंने नाम यूज़ किया, और ये भी जान लिखा है कि उन्होंने 3000 कॉमिक्स में ये नाम यूज़ किया है संपादक के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और कितनी सच्ची है ये तो अब गुप्ता ब्रदर्स ही बता सकते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैकुला का हमला करके कॉमिक्स हैं। अगर हम इसका बुकमार्क देखें तो यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे है नागराज और ड्रैकुला, तो ये कवर में से ही लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कवर का ही बुकमार्क में यूज़ किया गया है। और साथ के साथ बाइंडिंग इस बार बेटर लग रही है मेरे को, और पेजेस की क्वालिटी भी बेटर है। लास्ट टाइम मेरे को लगा कि त्रिफना में थोड़े पेजेस बहुत थिन लग रहे थे मेरे को, अब वो गीली गीले होने की वजह से लग रहे थे या किस वजह से ये मैं नहीं बता सकता, पर इस बार पेजेस की क्वालिटी पहले से बेटर लग रही है।
तो सबसे एंड में अगर हम आते हैं तो देखें क्या क्या है यहाँ पर। बोनस पेजेस हैं और यहाँ पे अनुपम जी ने बताया हुआ है कि उन्होंने ड्रैकुला की रचना कैसे की, कैसे कैसे जो है उनको ख्याल आया कि क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने 14 साल की उम्र में जो है ब्रेम स्टोकर की नॉवल पढ़ी थी ड्रैकुला की, और उसके बाद उन्होंने अपने इस यूनिवर्स में नागराज और ध्रुव से लड़ाते हुए ड्रैकुला को बनाया, तो उसी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ज़्यादा कुछ डिटेल्स हैं नहीं इसमें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैकुला का प्रमोशनल पोस्टर, ये ड्रैकुला का प्रमोशनल पोस्टर है। यहाँ पे जो सामने जो कवर आर्ट है ये वाला, इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं कि ये कैसे कैसे बना। यहाँ पे 3 स्टेजेस जैसे त्रिफना में दी गई थी वहीं वाली हैं, और एंड में 3 इंक पेज जिसकी गैलरी है, इंक गैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेम चीज़ त्रिफना में भी फॉलो हुई थी, सेम वही नंबर ऑफ बोनस ऑफ पेजेस हैं, सेम वही राजप्रस्थ हैं, तो सेम चीज़ फॉलो गई की गई है ड्रैकुला का हमला में भी। बाकी कवर डिज़ाइन वगैरह तो मुझे बहुत शानदार लगे, और अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं लिए कलेक्टर एडिशन तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में।